हेलो एंड स्वागत है आपका उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम घटना चक्र बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो एसएससी के द्वारा एक बार नहीं बल्कि कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उनको हम देख रहे हैं, उनको हम समझ रहे हैं। यह है भूगोल का पार्ट थ्री। इसमें हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में, ये इसका टॉपिक होगा। और इस टॉपिक से संबंधित एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है। और इस विषय से संबंधित आपको आज टोटल 60 क्वेश्चंस मिलेंगे और इससे संबंधित आपको वन लाइनर क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे इसी एक वीडियो में। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, इस बुक के जो भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 20 से 25 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखें आज ही घटना चक्र किताब की प्लेलिस्ट को। जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर देखिए आपको ढेर सारे इस बुक के वीडियो मिलेंगे। और ये बुक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर समय कम होता है आपके एग्ज़ाम के लिए, मतलब कि आपके हाथ में एडमिट कार्ड आ चुका है, मतलब कि पूरी अच्छी खासी, एक कहावत होती है, एक मुहावरा होता है कि आग लगने पर कुआं खोदना। अगर आग लग चुकी है, आप कुआं खोदने की तैयारी कर रहे हैं, कुआं खुद जाएगा, पानी भी आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो जलने की संभावना रहेगी रहेगी, पक्का। डाउटफुल भी है और 100% श्योर भी है। तो अगर ऐसी कंडीशंस आ चुकी है, आपके हाथ में एडमिट कार्ड है, डेट आपके सामने है एग्जाम की, तो क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, कौन से बुक उठाएं, वगैरह वगैरह तमाम क्वेश्चंस माइंड में चलते रहते हैं एडमिट कार्ड आने के बाद। जब देखते हैं सेंटर, ओ माय गॉड, सेंटर यहाँ पड़ा हुआ है, चलो ठीक है सेंटर पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम 20 दिन बाद, तब बहुत टेंशन बनती है कि यार पढ़ा कुछ है नहीं हमने, तो क्या करें हम। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप फोकस करिए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उससे प्रीवियस क्वेश्चन जो भी आपको मिले कहीं से भी वो आप सब याद कर लीजिए, ठीक है। अगर टाइम कम है तो, टाइम अच्छा है तो सबसे पहले लुसेंट बुक की जीएस उठाइए, उसके बाद में अपने घटना चक्र बुक की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो बस छोटा सा फंडा है आपको याद करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जीएस का पोर्शन बहुत वाइड है, सिलेबस बहुत लेंथी है, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, इसका कोई अंत नहीं है, ऐसा नहीं है। हर चीज का अंत होता है, तो सिलेबस इतना वाइड नहीं है। लोगों का हुआ है माइंड में एक डर होता है कि यार ठीक है जीएस छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जीएस में भी 50 में से कम 42 से 45 नंबर आ सकते हैं अगर आप ढंग से स्टडी कर रहे हैं तो। तो ठीक है, बात बहुत अधिक हुई, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले आप जाइए प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के बाद में प्लेलिस्ट को खंगालिएगा, इस चैनल की देखिएगा, अगर यूजफुल हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा। और आपका कोई भी फ्रेंड अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है तो प्लीज उन तक इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर पहला है कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है, उस संगठन का नाम क्या है। उस संगठन का नाम है NEERI। अब बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है, याद रखिएगा। देखियो, देखना बच्चों, फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा BNEERI, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं ये एक्चुअली है कहाँ पर, ये इसका संगठन कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में, जैसे कि आप देख रहे हैं येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, तो ये है आपका नागपुर में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नागपुर में। और पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है, केवल एक है, वो है आपका नीरी, इसको बोलते हैं नीरी, याद रखिएगा नीरी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर कि साइलेंट वैली कहाँ पर है। केरल के लोग जो होते हैं काफी कम कम बात करते हैं, केरल के लोग बहुत कम कम बात करते हैं, मतलब वो क्या रहते हैं वहाँ पे काफी साइलेंट रहते हैं। तो साइलेंट वैली कहाँ पर है, ये है केरल में, केरल स्थित शांत घाटी। देखो साइलेंट को बोलते हैं शांत घाटी, मौन घाटी, या फिर साइलेंट वैली, कुछ भी कह सकता है वो। तो तीनों वर्ड में कंफ्यूजन की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये है केरल में, और इससे संबंधित डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको जाने की आवश्यकता होगी, डिटेल पढ़ने की आवश्यकता होगी, मैं उसको हाईलाइट ऑलरेडी कर दूंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर टू और थ्री में क्या फर्क रह गया, क्वेश्चन नंबर टू और थ्री में कोई डिफरेंस है, नहीं है। देखिए हल्का सा लैंग्वेज चेंज है, तो यही स्किल्स आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। आपने याद कर लिया कि साइलेंट वैली स्थित है केरल में, ये आपने याद कर लिया अच्छे से। अब 2017 में आपका एग्जाम हुआ, उसने पूछ लिया कि शांत घाटी कहाँ पर है, आपने पढ़ रखा है साइलेंट, आपने शांत तो पढ़ा ही नहीं था, तो आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। तो कुछ नहीं करता है, एसएससी डिपार्टमेंट कॉपी और पेस्ट करता है, प्रीवियस ईयर में से कोई एक क्वेश्चन उठाएगा, नए पेपर में पेस्ट कर देगा आपके, और थोड़ी सी उसमें लैंग्वेज को मॉडिफाई कर देगा, बस ये करता है एसएससी डिपार्टमेंट। वहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो सिलेबस लेंथी नहीं है, सिलेबस लेंथी ऐसे बन जाता है, जैसे साइलेंट वैली स्थित कहाँ पर है, आगे आपसे पूछ लिया कि सांध घाटी किस राज्य में स्थित है, तो बन गया ना एक क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन से दो क्वेश्चन, तो बन गया सिलेबस लेंथी आपका। तो जिसके अंदर कॉमन सेंस है और जो तरीके से पढ़ रहा है, स्किल्स डेवलप जिसने कर रखे है पहले से, नहीं भी करी तो कोई बात नहीं, हो जाएगी। तो क्वेश्चंस पढ़िए और इसी तरीके से स्टडी करिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, केरल के नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों की घाटी, फूलों की घाटी किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं उत्तराखंड को। उत्तराखंड राज्य में कहां पर है, फूलों की घाटी है। तो अब याद रखिएगा वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और यह राष्ट्रीय उद्यान इसी राज्य में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। तो जो ये विस्तार है, ये विस्तार किसका है, ये है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का ये विस्तार है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यह है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। याद रखिएगा ये क्या है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, फर्स्ट पूछेगा, प्रथम पूछेगा, सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इस तरह से आप पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है क्या, कॉर्बेट नेशनल पार्क इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1936 में। आपको फोकस करना है 1936 में, इस पर भी आपको फोकस करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है, टोटल जो इंडिया का जो एरिया है उसका कितना परसेंट भाग क्या है वन भूमि में आता है। तो उसका राइट आंसर है 20%। याद रखिएगा 20%, ओनली 20% जो है वो वन भूमि क्षेत्र। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है, यह मध्य प्रदेश का। ठीक है, यह है मध्य प्रदेश का। अगर आपको ऑप्शंस में मध्य प्रदेश नहीं देता है तो देखिए एसएससी में आपसे क्या करेगा, मध्य प्रदेश आपको पता है, आपने याद कर लिया, रट लिया इसको अच्छे से, बिल्कुल माइंड में दर्ज कर लिया अपना, अच्छा खासा जहन में बसा लिया मध्य प्रदेश। लेकिन एग्जाम में क्या करता है, कभी कभी आपको मध्य प्रदेश नहीं देगा, तो सेकेंड आपका आंसर क्या रहेगा, सेकेंड नंबर पे आएगा आपका एपी। एपी बोले तो क्या, अरुणाचल प्रदेश। थर्ड में आता है छत्तीसगढ़, फोर्थ में आता है महाराष्ट्र, और फाइव में आता है आपका उड़ीसा। याद रखिएगा, ठीक है, सेकंड भी आपको याद रखना है और थर्ड भी आपको याद रखना है। पहले पे मध्य प्रदेश, सेकंड पे ए, थर्ड पे बी। तो बस फर्स्ट सेकंड थर्ड आप याद रखिए, इससे आगे पीछे वो क्वेश्चंस कभी भी पूछ सकता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि किस राज्य के वन क्षेत्र का परसेंटेज अनुपात सबसे अधिक है। देखिए परसेंटेज, परसेंटेज मतलब कि पूरे एरिया जो है उस मणिपुर का, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वन क्षेत्र वो है मणिपुर का। और किस राज्य के वन क्षेत्र का परसेंट अनुपात सबसे अधिक है, यह है मिजोरम का, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार था। और देखिए मिजोरम राज्य के वन क्षेत्र का परसेंट अनुपात 2005 में सबसे अधिक था, 88.63% वन वहां पे पाए जाते हैं। और किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है, यह है मिजोरम। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, निम्नलिखित में से किसे यद्यपि उद्यान मतलब गार्डन कहा जाता है, किंतु वास्तव में वह भी उद्यान नहीं है, वो कि पार्क वगैरह नहीं है, तो ये आपका कोलकाता का इंडन गार्डन। देखिए इंडन गार्डन को यद्यपि उद्यान कहा जाता है, यह उद्यान न होकर एक क्रिकेट स्टेडियम है। याद रखिएगा कोलकाता का इंडन गार्डन, हम लोग यार इंडन गार्डन जरूर कोई उद्यान वगैरह होगा, कोई पार्क वगैरह होगा, नाम सुनने में ऐसा लगता है कि ठीक है ये कोई पार्क वगैरह होगा, बट ऐसा नहीं है। और ये कहां पर है, यह कलकत्ता में। और इस स्टेडियम की स्थापना कहां पे हुई, कब हुई थी, ये स्थापना हुई थी 1864 में। याद रखिएगा 1864 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको पता होगा जो बच्चे क्रिकेट के काफी शौकीन हैं और काफी इंटरेस्ट रखते हैं क्रिकेट में, उनको इसका नाम अच्छे से पता होगा, ये कहां पर है, क्या है, कितने मैच इसमें खेले जाते हैं वगैरह वगैरह। और बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की, भारत की सिलिकॉन वैली स्थित कहां पर है। देखिए साइलेंट वैली थी केरल में और सिलिकॉन वैली कहां पर है, बेंगलुरु में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है, बेंगलुरु पूछेगा या फिर केरल पूछेगा, बेंगलुरु को बोलेगा वो भारत की सिलिकॉन वैली और केरल को बोलेगा साइलेंट वैली, शांत वैली, मौन वैली, कुछ भी कह सकता है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बात करते हैं, देखिए अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में, कि दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिणी भाग किस नाम से प्रसिद्ध है, यह है आपका सिलिकॉन वैली से। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है आपके एग्जाम में, कि दक्षिणी भाग को किस नाम से पुकारा जाता है, किस अन्य नाम से जाना जाता है, आपसे एग्जाम में ये पूछेगा। तो आपको याद रखना है सिलिकॉन वैली के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33
दोनों को बढ़िया, दोनों में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है मुझे जरा बताइए। कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस वही है शब्दों का हेर फेर, शब्दों का जाल। एसएससी डिपार्टमेंट आपके लिए बुनेगा और आपको फंसाएगा, तो प्लीज फंसने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए बड़े क्वेश्चन नंबर आगे चलिए बढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश के बारे में, कि आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। ये है आपके स्वर्ण मतलब गोल्ड के लिए, याद रखिए किसके लिए है ये, गोल्ड के लिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। अब हमको करना है इसका मिलान, मतलब मैच मेकिंग करनी है हमको 35 की। तो मैच मेकिंग करने से पहले डायरेक्ट ये ग्रीन एरिया है, डायरेक्ट इसको आप याद करिए, इसको नोट करिए कि हजारीबाग में क्या पाया जाता है। इसमें पाया जाता है अब्रक, और अब्रक किसको बोलते हैं, हम अब्रक का नाम हमने सुना होगा काफी बार। सबसे ज्यादा भारत में क्या पाया जाता है खनिज पदार्थ, वो होता है आपका अब्रक। और अब्रक क्या होता है मैं बताना चाहूंगा कि आपको, आप जब प्रेस करते हैं कपड़ों में, जब प्रेस करते हैं, जब आप प्रेस को आप कभी भी ओपन करिए, उसको खोल के देखिए, उसमें पतली सी एक चमकीली कलर की, एक चांदी की कलर की लंबी सी शीट होती है, पतली सी शीट होती है, वो होता है अब्रक। क्या बोलते हैं उसको, अब्रक। और ये स्थान है हजारीबाग, यहाँ पे क्या मिलता है मैक्सिमम, अब्रक मिलता है। और बात करते हैं नवेली की, नवेली में मिलता है आपका भूरा कोयला जिसको बोलते हैं लिग्नाइट। अगला जो है आपका स्थल है झरिया। झरिया क्यों विख्यात है, क्यों फेमस है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है कोयला। देखिए कोयला पाया जाता है झरिया में, अगर बात करी जाए भूरा कोयला की तो वो मिलता है आपको नेवली में। अगला है आपका राउरकेला, बहुत प्यारा क्वेश्चन है राउरकेला। देखिए राउरकेला एक स्थान है और यहाँ पे प्राप्त होता है आपको लोहा, राइट। बड़े आगे चलिए, अब देखो बात करते हैं हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। भारत के झारखंड राज्य में अनुमानित कोयले के विशालतम सुरक्षित भंडार उपलब्ध हैं। सबसे ज्यादा जो कोयला मिलता है वो कहाँ मिलता है, झारखंड में। और बात करते हैं आगे कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर है, जादूगोड़ा में। और जादूगोड़ा कहाँ पर है, ये है झारखंड में। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान कहाँ पर है, आपसे एग्जाम में ये पूछता है, तो आपको याद रखना है झारखंड और जादूगोड़ा, ठीक है। जादूगोड़ा भी बोलते हैं इसको, जादूगोड़ा भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं कि सिंहभूम जिला मुख्यतः क्या है, लोह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए, लोह उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं बीना, बीना मतलब मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने वाला तेल शोधन कारखाना भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड और ओमान के सहयोग से स्थापित करा गया। भारत विश्व में अब्रक सीड का सबसे बड़ा निर्यातक है, सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है भारत किस चीज का करता है, ये करता है आपका अब्रक का। अब्रक एक्चुअली पतली पतली सी शीट होती है, जैसे आपका पतला गत्ता होता है किताब का, सेम वैसे ही पतली पतली एक शीट होती है अब्रक की, वही हमको मिलती है और वही हम सेम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अन्य देशों में। अगला जो पॉइंट है, भारत अब्रक शीट का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, सबसे ज्यादा जो चीज मिलेगी उसी चीज का निर्यात होगा, ठीक है। आपके पास अगर छोटा सा खेत है और आपके खेत में जो फसल होगी आप उसी का तो एक्सपोर्ट करेंगे, ये थोड़ा कि आपका जो खेत है वो है आम का और आप एक्सपोर्ट करेंगे केलों का, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। आप एक्सपोर्ट करेंगे सेब का, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। जिस चीज का आपके पास उत्पादन अधिक होगा उसी का आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब किसी थोड़ा किसी और से आप उधार लोगे पड़ोसी से, यार मुझे एक काम कर, मुझे 50 किलो एक काम कर सेब दे, मुझे एक्सपोर्ट करने हैं, भाई वो क्या देगा, वो अपने खेत में से आपको फल क्यों देगा। बस ये समझ लीजिए जिस चीज का मैक्सिमम मतलब कि उत्पादन होगा उसी का मैक्सिमम एक्सपोर्ट होगा। इन शॉर्ट में कहानी बस केवल इतनी है। बात करते हैं देखिए आगे कि रानीगंज जो है, रानीगंज कोयला खान है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपसे पूछेगा रानीगंज क्यों फेमस है, क्यों विख्यात है, तो ये है आपकी कोयले की खान, कोयले के लिए काफी विख्यात है। और ये कहाँ पर है, ये है आपकी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है ये, ये है आपकी पश्चिम बंगाल में। बात करते हैं भारत के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में लोहा और कोयले के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र क्या है, ये है आपका खेतड़ी। और खेतड़ी कहाँ पर है, ये है आपकी राजस्थान में। और ये क्यों फेमस है, ये है आपकी तांबा अयस्कों के लिए, ठीक है। याद रखिएगा तीनों चीज, तांबा अयस्क के लिए फेमस क्या है, वो है खेतड़ी, एक जगह है विख्यात क्षेत्र है। और ये क्षेत्र कहाँ पर है, ये है राजस्थान में। एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि खेतड़ी किस राज्य में स्थित है, अवस्थित है, तो ये है आपकी राजस्थान में। तो तीनों के तीनों आपके पास कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, डिगबोई जो तेल क्षेत्र है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। और बात करते हैं अंकलेश्वर तेल, जिसे बोलते हैं पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, और कोचिन रिफाइनरी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये जो हाईलाइट कर रखा है, मन्नान की खाड़ी जीव मंडल नीचे भारत का सबसे बड़ा है, इसमें जीव मंडल
और उनका क्षेत्रफल। देखिए मन्नार की खाड़ी का क्षेत्रफल कितना है, आपसे कभी कभी क्षेत्रफल से संबंधित एक ना क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यह अलग से हाईलाइट कर रखा है, कुछ अलग कीवर्ड आपके लिए मैं बना रखे हैं याद करने के लिए। तो मन्नार की खाड़ी का क्षेत्रफल 10,500 वर्ग किलोमीटर है, और आपके लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्षेत्रफल याद करने के लिए, केवल और केवल आपको ये याद करना है सुंदरवन का क्षेत्रफल कितना है, एग्जाम में बस केवल यही पूछता है आपके एसएससी में कई बार। तो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सभी याद करने हैं, केवल और केवल एसएससी के लिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ इन सब वीडियो पे, एसएससी के लिए और जो भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए मैं फोकस कर रहा हूँ ये पूरा वीडियो। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए मैनग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा, तो ये प्रभाव होगा मैनग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। आगे बात करते हैं मैनग्रोव क्या है, ये डाउटफुल है मैनग्रोव क्या है, हम बात करते हैं। देखिए मैनग्रोव जो है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तटों पर उगने वाली वनस्पति को भी मैनग्रोव कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए मैनग्रोव शब्द की उत्पत्ति क्या हुई, ये है आपका एक पुर्तगाली शब्द, ठीक है। ये मैनग्रोव जो हम बोलते हैं, मैनग्रोव एक्चुअली क्या शब्द है, ये है आपका पुर्तगाली शब्द, इसका अर्थ होता है मैग्यू तथा अंग्रेजी शब्द ग्रोव से स्थित है। तो मैनग्रोव शब्द का उपयोग पौधे के उस समूह के लिए किया जाता है जो खारे पानी और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। मैनग्रोव वृक्ष कहाँ पर उगते हैं, ये वृक्ष जो उगते हैं ये उगते हैं आपके खारे पानी और नमी वाले स्थानों पर, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 23 आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे एक बार आपको बताना चाहूंगा, जो मैं मैक्सिमम वीडियो में आपको बताता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है इस टाइप के क्वेश्चन देखने को आते हैं। देखिए मैनग्रोव क्या है, चार ऑप्शन आपको दिए हैं, चारों के क्वेश्चन में डाउट पक्का है, ठीक है, इसलिए लगा रखा है उसने स्टार की, कोई भी आंसर इसमें से नहीं हो सकता, होगा तो बहुत ज्यादा डाउट है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है और आप एग्जाम देके आते हैं नेक्स्ट डे एसएससी डिपार्टमेंट ये डिक्लेयर करता है कि वो क्वेश्चन हमने जो दिया था वो क्वेश्चन गलत था, तो उसके एक एक नंबर क्या होते हैं हर बच्चे को मिल जाते हैं, बट कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई क्या होती है, अगर उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है तो अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, आपको डाउट था, आपको लग रहा है बी या सी में कोई एक आंसर समझ नहीं आ रहा क्या करूं, आपने अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, या फिर आपको नहीं भी आता था कोई भी ऑप्शन में से, आपने फिर भी एक तुक्का मार दिया, गलत होने के बाद भी आपको एक नंबर एसएससी डिपार्टमेंट देगा, क्यों, क्योंकि आपने रिस्क लिया है, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, अगर अटेम्प्ट करा है तो नंबर मिलेगा आपको, अगर अटेम्प्ट नहीं करा तो आपको नंबर ऐसे केस में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24 की, कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है, ये आपका मैनग्रोव, इसको बोलते हैं गरान। केरल की मोन घाटी कहाँ पर है, में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है, और सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है, यह ज्वारीय वनों की, और मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मानस जो पशु विहार है वो कहाँ पर स्थित है, यह है आपकी असम में। आगे बात करते हैं जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी है, यह है आपका नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की, और जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, यह है उपयुक्त सभी, मतलब ए बी सी सभी इसमें ऑप्शंस राइट होंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, ये माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदर वन को, और भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, यह है उत्तराखंड में। अभी हमने देखा था कुछ समय पहले उत्तराखंड, वही सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज इसने चेंज कर दिया है, और इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तराखंड मतलब ए। आगे बात करते हैं, देखिए कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जहाँ गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है, बात कर रहा है गैंडों की, याद रखिएगा, और इसका राइट आंसर होगा काजीरंगा, और असम स्थित में, ये असम राज्य में स्थित है कहाँ, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य एक सींग वाला जो होता है गैंडा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, आप याद रखिएगा काजीरंगा किस स्थान पे है, किस राज्य में है, तो ये आपका असम में, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, देखिए क्वेश्चन 32 और 33 दोनों ही ध्यान से पढ़िए और देखिए कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। देखिए डिफरेंस कुछ नहीं है, बस वहां पे उसने पूछा काजीरंगा और यहां पूछा किस लिए फेमस है 33 क्वेश्चंस में, और कितनी बार ये क्वेश्चंस पूछा गया आप सामने देख रहे हैं, 2002 में, 2004 में और 2007 में इतनी बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, थोड़ी सी हम स्थापना का वर्ष याद कर लेते हैं, ये स्थापना हुई थी 1905 में। काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, देखिए 34, 32, 33 सब क्वेश्चन सेम चल रहे हैं, मैं इसका आपको आंसर नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है, ये पाई जाती है मन्नार की खाड़ी में। आगे बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, देखिए वो अलग था ये अलग है, वो मतलब 33, 32 वो था आपका, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है गैंडों के लिए, और कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है,
वो काजीरंगा था, ये कंचनजंगा है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज बहुत 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 होते हैं। अगर आपको नेशनल पार्क सारे याद हैं और आपके अंदर कंफ्यूजन कुछ नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत नाइस आप स्टडी कर रहे हैं। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो प्लीज पेन पेपर उठा लो, कष्ट कर लो पेन उठाने का, थोड़ा खर्च कर लो पेन, थोड़ा पेपर खर्च कर लो, थोड़ा डाटा खर्च कर लो और पढ़ लो बच्चों, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे पढ़े और 2017 में मुझे कमेंट्स चाहिए काफी सारे बच्चों के कि आई एम सेलेक्टेड इन दिस पोस्ट, और कहाँ पे क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टारगेट ये है कि जॉब हाथ में होनी चाहिए, वो भी सरकारी जॉब। हम दामाद होने चाहिए सरकार के, मोदी जी के, बीजेपी के या फिर कांग्रेस के। सरकार आती जाती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो केवल दामाद बनना है ना, ठीक है। हाँ, बात करते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, ये है सिक्किम में, याद रखिएगा। सिक्किम राज्य में क्या है, कंचनजंगा। कंचन एक लड़की का नाम है, वो कहाँ पे रहती है, वो रहती है सिक्किम में। सिक्किम में रहती है कौन, कंचन, ऐसे याद कर लीजिए आप उसके। कभी कभी कुछ कुछ वर्ड होते हैं उसको हम लोग निमोनिक मेथड के द्वारा याद कर सकते हैं। निमोनिक मतलब कि वर्ड को रियल लाइफ के एग्जाम्पल से कनेक्ट कर दो, बस हो गया याद। भाई कंचन कहाँ पे रहती है, कंचन की तो शादी हो गई, वो कहाँ चली गई, कंचन चली गई अब सिक्किम में, उसका हस्बैंड वही काम करता था सिक्किम में, तो वो सिक्किम में क्या हो गई, सेटल हो गई, ऐसे याद कर लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क स्थित है तेंदुआ और चीतल के लिए। और आगे बढ़ते हैं 38 में कि पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है, यह है आपका मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में क्या है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण। अब थोड़ी सी डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2009 में इसे बायो स्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया। कब करा गया, 2009 में, किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा, किसको, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र को, और कहाँ पर है ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद हो गया बड़े। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, अब बात करते हैं कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा बोलते थे कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान सबके दिल में वास करते थे। दिल कहाँ पर होता है, बिल्कुल शरीर के मध्य में स्थित होता है, मध्य में, वैसे पेट होता है वो अलग मैटर है। सबका जो केंद्र होता है, पूरी हमारी जो बॉडी का जो केंद्र होता है वो होता है क्या, दिल। दिल का मतलब कान्हा, और मध्य, और भारत का मध्य क्षेत्र क्या है, यह है मध्य प्रदेश। कान्हा मध्य दिल में प्रवेश रखते हैं हमेशा, उनका स्थान कहाँ पे होता है, कान्हा भगवान का, जो इस्कॉन को मानते हैं, जो इस्कॉन टेंपल को, मतलब जो उनका, उनको फॉलो करते हैं इस्कॉन को, तो उनको पता होगा कान्हा भगवान उनके दिल में हमेशा वास करते हैं। दिल कहाँ पर होता है, उनके मध्य में होता है, तो मध्य प्रदेश। आप ऐसे एग्जाम्पल से याद नहीं कर सकते कान्हा भगवान भगवान ये सब याद नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप याद कर लीजिए कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, ये है मध्य प्रदेश में। तो देखिए, भगवान जी के नाम से अगर आप याद करेंगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ पर, तो ये है आपका मणिपुर में। देखिए, पल्लवी जो है, पल्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है मणिपुर में, और पल्लवी लड़की का नाम याद कर लीजिए, शादी कहाँ हुई, मणिपुर में। दो नाम याद रखने हैं आपको, कंचन, कंचन की शादी कहाँ हुई थी, सिक्किम में, और पल्लवी की शादी कहाँ पे हुई है, मणिपुर में। दो अपने पड़ोस की कोई भी अपनी लड़की को आप याद कर लीजिए, ठीक है, उनको आप ऐसे मेंशन करिए, उनको दो नाम दे दीजिए, एक को बोलिए कंचन, एक को बोलिए पल्लवी। कंचन की शादी कहाँ पे हो गई, सिक्किम में, पल्लवी की शादी कहाँ पे हो गई, मणिपुर में। बस जरूरी नहीं आप शादी कराओ किसी की, ठीक है ना, किसी का कैरी खराब मत करो ज्यादा, जैसे पढ़ना वैसे पढ़ो, डायरेक्ट याद कर लो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, कैबुल लाम जाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है, ये आपका मणिपुर में। मणिपुर के लोगों को तैरना काफी अच्छा लगता है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये है मणिपुर में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लाम जाओ कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 41-42 डिफरेंस कितना पैदा इसने कर दिया है, ज्यादा पैदा नहीं करा इसने डिफरेंस, बिल्कुल घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, 13 में ऐसे पूछा, 14 में ऐसे पूछ लिया। 2013 में क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा कि कैबुल लाम जाओ जो विश्व का अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है, यह है मणिपुर में। अब थोड़ा सा इसने लैंग्वेज चेंज कर दी, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल नाम भी दिया इसने, देखिए ठीक है, और नाम इसको देना नहीं चाहिए था, आपकी इतनी बड़ी इसने हेल्प कर दी कि नाम दे दिया, और ये कहाँ पर है, यह है मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 43 है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है, यह है आपका कर्नाटक में, याद रखिएगा। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर है, यह है आपका कर्नाटक में। 44 भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ पर, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन नंबर 45, मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किस चीज के लिए, व्याघ्रों के लिए।
पशु विहार जो है व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है और इसका क्षेत्रफल जो है आपका लगभग 320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है इसको, और मुदुमलाई पशु विहार कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल में विस्तारित है। इसका स्थान बहुत लंबा है, कहां कहां को टच करता है, ये कर्नाटक को भी टच करता है, ये तमिलनाडु को भी टच करता है और ये केरल को भी टच करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। अगेन डाउटफुल क्वेश्चन ये है कि मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। देखिए मैंने आपको बताया इसका विस्तार, देखिए मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। जो अभी मैंने आपको बताया था ये आपका मुदुमलाई कहाँ कहाँ पर है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है और केरल में है। अब इसने क्या करा, इसने क्वेश्चंस पूछ तो लिया लेकिन इसने क्वेश्चंस एसएससी वालों ने ये नहीं देखा कि बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ये तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों ही दे रखे हैं। अब इसमें से राइट आंसर क्या लगाएं, किस राज्य में है, कर दिया इसने कंफ्यूज। ठीक है, हमको यहाँ पर अब तीनों ही है, तीनों में से हम क्या आंसर लगाएं। ऐसी कंडीशन में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है और अटेम्प्ट करके आएंगे। ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, देखो साफ साफ वो तीन स्टेट को टच करता है, कर्नाटक को, तमिलनाडु को, केरल को, यहाँ यहाँ पे टच करता है लेकिन ऑप्शन हमको तीनों ही दे रखे हैं उसने। अब हम क्या करें, असमंजस में है, क्या करें, अक्कड़ बक्कड़ हेड टेल हम नहीं कर सकते क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, एक कोई सा भी क्वेश्चन का ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में अगर वो ये कहता है कि मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी जो है किस राज्य में स्थित नहीं है, अगर नहीं है पूछता तो आंसर क्या होता, डी। अगर पूछा है इसने है तो इसका क्या है आंसर डाउटफुल रहेगा, लेकिन अटेम्प्ट करके आना है आपको, क्योंकि एसएससी डिपार्टमेंट ये घोषित करेगा अपने नोटिफिकेशंस में कि आपको इसका सबको एक एक नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट करके नहीं आएंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। राइट, बड़े आगे आज्ञा है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे, आज्ञा मुझको आपको मिल गई। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 47 की जी। अगेन क्वेश्चन डाउटफुल, देखिए 2012 का क्वेश्चन ये था और 2006 का क्वेश्चन, तो दोनों में डाउटफुल सिचुएशन जो है काफी गैप है, 6 और 12 पूरे 6 साल का फर्क आ गया होगा। इसके बीच में भी कभी ना कभी एक ना क्वेश्चन डाउटफुल पूछा रहा हो, लेकिन आप देखिए कि 6 में पूछा गया फिर 12 में पूछा गया, ज्यादा डिफरेंस है बहुत ज्यादा। और ऐसा नहीं कि आपके साथ भी ऐसा ही हो, ऐसा नहीं होगा, बहुत ही रेयर चांस होता है, 100 में से मान के चलो 5% चांस होता है डाउटफुल क्वेश्चन पूछने का एसएससी द्वारा। देखिए अब तो वैसे भी एग्जाम आपका ऑनलाइन है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि आपकी जो पेपर जो सेट होता है वो कम से कम 4 बोर्ड बैठते हैं उसके लिए, वो वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन पेपर को, अब इसलिए क्वेश्चन गलत बनने की संभावना नहीं होती है। हाँ, रीजनिंग के क्वेश्चन गलत बन जाते हैं क्योंकि सबके कैलकुलेशन अपनी अलग अलग होती है, तो वहां पे डाउटफुल क्वेश्चन बन सकते हैं, बट जीएस में अब ऐसा नहीं होता। लास्ट 3 या 4 साल से देखा गया एक भी क्वेश्चन एसएससी डिपार्टमेंट ने गलत या फिर डाउटफुल नहीं पूछा है। अब देखिए बात करते हैं इसमें कि भारत में जैव मंडल के आरक्षित स्थलों की कुल संख्या कितनी है। देखिए जो है भारत के 10 जैव भौगोलिक जोनों में विभाजित करा गया है, कितने भागों में डिवाइड करा गया है, ये करा गया 10 जैव भौगोलिक भागों में डिवाइड करा गया है। इन सभी जोनों में कुल 25 जैव भौगोलिक प्रांत हैं। अगर भौगोलिक प्रांत की बात करी जाए तो कुल हैं 25, और बात करी जाए अभी तक देश के विभिन्न 18 स्थलों की पहचान जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के रूप में की गई है। ठीक है, आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर की। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी, प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी, ये हुई थी नीलगिरी में। कब हुई थी, 1986 में। क्या क्षेत्रफल है, आपको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता इसकी नहीं है। राइट, बड़े आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है, सबसे गर्म जो है तप्त मतलब गर्म स्थल किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है पश्चिमी घाट को, याद रखिएगा पश्चिमी घाट को। अब बात करते हैं मध्य भारत ठीक किसका उत्पादक है, यह उष्ण कटिबंधीय आद्र पतझड़ी वन का। क्वेश्चन नंबर 51 है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा कौन सा है, यह आपका आर्किड, याद रखिएगा ऑर्किड बोलते हैं इसको, आर्किड बोलते हैं, कुछ भी बोलेगा तो आपको याद रखना है उष्ण वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा जो होता है वो होता है ऑर्किड। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 52 है कि क्रिकेट बैट, आप क्रिकेट खेलते होंगे, नहीं खेलते कोई बात नहीं, क्रिकेट देखते होंगे, नहीं देखते कोई बात नहीं, बट आपने बैट तो देखा होगा, बल्ला देखा होगा ना, जब छोटे बच्चे होते हैं आपके घर में वो बैट बॉल खेलते हैं, आपसे बैट मंगाते हैं, लकड़ी का बैट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं के लिए विलो, विलो कहाँ से प्राप्त होता है, विलो जो होता है वो होता है शंकु वृक्षी वन से प्राप्त। क्रिकेट बैट के लिए विलो मतलब लकड़ी शंकु वृक्षी वन से प्राप्त होती है, यह वन ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, भारत में जम्मू कश्मीर राज्य विलो निर्मित क्रिकेट बैट के उत्पादन के लिए काफी फेमस है। क्रिकेट
में जो बैट यूज होता है उसकी जो लकड़ी यूज होती है वो होती है शंखुधारी वन से प्राप्त होती है। और ये वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। अब बढ़ता हूं मैं आगे क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। राल जिसको बोलते हैं धूना किसका उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका शंखुधारी पेड़ का, उसको बोलते हैं कॉनिफेरस। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? यह है आपके हिमाचल प्रदेश में। कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में, सही है जोड़ा बताइए, कभी कभी पूछता है गलत जोड़ा बताइए क्या है। देखिए बांदीपुर जो अभ्यारण्य है वो है आपका कर्नाटक में, और सरिस्का है राजस्थान में, अन्नामलाई है आपकी तमिलनाडु में, और गलत जोड़ा जो है आपका पेरियार जो है आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये याद रखिएगा, और ये है आपका केरल में, याद रखिएगा ये कहाँ पर है? केरल में। केरल की जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं वो कैसी लगती हैं? वो लगती हैं परी जैसी, ठीक है? पेरियार से बना है परी जैसे, ठीक है? पेरियार से बना है परी। और जो केरल की जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनके फेस बिल्कुल रेड रेड होते हैं, उनके स्किन काफी, उनके जो चिक्स होते हैं काफी रेड रेड होते हैं, लगते हैं परी जैसे बच्ची होंगे वो सब के सब, ठीक है? तो पेरियार से परी, और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में, सॉरी ये कहाँ पर है? ये है केरल में। तो आगे बढ़ू, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 56 हमारे सामने की, निम्नलिखित अभ्यारण्य में किसके सुमेलन राज्य सही नहीं है? मालघाट महाराष्ट्र में, राइट, कान्हा मध्य प्रदेश में। अभी आपको बताया था मैंने कान्हा, कान्हा भगवान कहाँ पे बसे हुए हैं? हमारे दिल में, दिल के मध्य में बसे होते हैं कान्हा भगवान, कृष्ण भगवान। और मानस जो है असम में है। पेरियार कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में बिल्कुल भी क्या है, ये सही नहीं है। ये कहाँ पर है? देखिए क्वेश्चन नंबर अभी हमने पढ़ा है 55 और अभी हमने पढ़ा 56, दोनों सेम चल रहे हैं, डिफरेंस है। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया और ये पूछा गया 2005 में। क्वेश्चन नंबर 57 है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है क्या? ये हो सकता है आपका उपयुक्त सभी, मतलब वैश्विक तापमान के फलस्वरूप समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन आता है, और तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। तो ये सभी चीजें होती हैं, वैश्विक तापमान अगर चेंज होगा तो उसके फलस्वरूप। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58, अत्यधिक वनों उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या होता है? अगर सबसे ज्यादा अगर वनों को काटा जाएगा तो क्या होगा? भाई अगर लकड़ी की आवश्यकता भारत को बहुत ज्यादा हो रही है, भाई लकड़ी की काफी सारे सामान बनता है, जैसे आप देखते हैं टेबल, दीवान, बेड, कुर्सी वगैरह वगैरह, और रैक बनते हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, जो भी सब होता है आपका फर्नीचर सारा लकड़ी से बनता है, और वहां पे लोहे का कुछ इस्तेमाल नहीं होता है। अगर अलमारी भी होगी तो वो भी लकड़ी की होगी, ठीक है? तो ऐसी जगह पर मतलब लकड़ी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, तो लकड़ी की कटाई कहाँ से होगी? भाई लकड़ी आपको कहाँ से मिलेगी? पेड़ों से मिलेगी। पेड़ कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे वनों में। तो अब बात करते हैं कि इससे सबसे ज्यादा खतरनाक प्रभाव क्या होगा। जंगली जानवरों में के निवास स्थान जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। भाई जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? जंगलों में। अगर जंगल वन अगर आप काट देंगे तो क्या होगा? उनका जो घर होगा वो उनसे छिन जाएगा और उन सबका विनाश हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यह वन संरक्षण से, ठीक है? और सुंदर बहुगुणा द्वारा चलाया गया चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, आप याद रखिएगा। और ये क्वेश्चंस कई बार पूछा भी गया है, और ये आपका केवल एसएससी सेक्शन ऑफिसर में ही नहीं पूछा गया है, ये आपका एमटीएस में, सीजन में भी कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। और इसको आप तुरंत तुरंत तुरंत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी तुरंत वीडियो को पॉज करिए और याद करिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर की, वनोरोपण प्रक्रिया क्या है और पेड़ लगाने की? वन का मतलब वन होता है, रोपण का मतलब उगाना, मतलब दोबारा से वनों को उगाने का मतलब क्या है? पेड़ लगाएंगे तभी तो वन दोबारा पैदा होंगे। अब बात करते हैं वन लाइनर जीके के क्वेश्चंस के, इसमें हम बात करते हैं, देखिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है कलकत्ता में, आप याद रखिएगा कहाँ पर है ये है कलकत्ता में। इसको बोलते हैं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो यह है आपका कलकत्ता में। आपको या तो बोलेगा बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है, या फिर आपसे एग्जाम में पूछेगा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है। आगे बात करते हैं, देखिए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यह है देहरादून, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड किस स्टेट से अलग होके बना था? तो ये बना था आपका उत्तर प्रदेश का पहले भाग था उत्तराखंड, और 13 जिलों को काट के उत्तराखंड बनाया गया, यूपी के 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड का निर्माण करा गया। आगे बात करते हैं, देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर है? यह आपका उत्तराखंड में। और वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसे भारत में 1936 में स्थापित करा गया था। कॉर्बेट जो है आपका नेशनल पार्क
ये स्थापित करा गया था 1936 में। भारत में सबसे बड़ा जो है आपका बाघ अभयारण्य है, रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम, कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। और साइलेंट वैली कहाँ पर है? साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु जो शेर की पूंछ जैसे मकायो है। मध्य प्रदेश राज्य को भारत का बाघ राज्य कहते हैं। भारत का बाघ राज्य किसको बोलते हैं? बाघ राज्य बोलते हैं किसको? मध्य प्रदेश को। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र 33.3% के अनुपात में होना चाहिए। देखिए, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितना भाग हमारे पास वन क्षेत्र का होना चाहिए? पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 33%, 33.3%। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है एग्जाम में कि हमारा जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसमें से कितना परसेंट भाग हमारा पारिस्थितिकी संतुलन के लिए होना चाहिए, जो वन क्षेत्र के लिए हमेशा रिजर्व होना चाहिए, तो वो है 33.3%। आपको क्लियर हो गया? जैसे आपका एक मकान है 500 गज का, और 500 गज में मैं कहता हूँ कि आपका इतना एरिया, 500 गज में से आपका 80 गज कम से कम आपका पार्किंग के लिए रिजर्व होना चाहिए। आपको क्लियर हो गया? आपको 500 गज में से अब 80 गज अलग करना है पार्किंग के लिए, हमेशा रिजर्व के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से आपका वन के लिए भी होता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल का 33.3% भाग वन क्षेत्र के लिए रिजर्व होना चाहिए, अगर हमको पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है तो। अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार वन विस्तार सकल क्षेत्रफल का 24.16% है। पूर्वी भारत का सुंदरवन मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है, और पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता के लिए प्रखर स्थल हॉट स्पॉट है। उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है, और मैनग्रोव की खेती के लिए दक्षिणी 24 परगना का सजने वाली जंगल क्षेत्र प्रसिद्ध है। अब देखिए, बात करते हैं वन्य जीव विहार और वो राज्य जहाँ पर वो स्थित है। देखिए, ये आपको हो सके तो प्लीज 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 इसको पेन डाउन करें, क्योंकि तो ये जो है ये सभी आपके वन्य जीव विहार और राज्य इंपॉर्टेंट तो है ही है, पर ये वन टाइम याद करने वाली चीज नहीं है कि आपको एक बार देखते ही आपको याद हो जाए। ये कम से कम आपको 3 से 4 बार या तो ये वीडियो वॉच करना पड़ेगा आपको कंप्लीट, या फिर नोट कर लीजिए, नोट्स को रिवाइज करिए। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप 3 से 4 बार वॉच मत करिए। अगर टाइम है, डाटा है, तो 2 बार अगर वॉच करते हैं तो डैम श्योर कि आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे अच्छे से। लेकिन ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि अपने नोट्स बनाने आप स्टार्ट कर दो। अगर नोट्स नहीं बना रहे तो कम से कम वीडियो को 2 बार वॉच करिए, 3 बार वॉच करिए, उसके बाद फिर देखिए आपको कितना याद रहता है कितना नहीं रहता। अगर नहीं रहता तो प्लीज आप सीरियस स्टडी करिए। सीरियस स्टडी आप नहीं कर रहे हैं, आप लापरवाही कर रहे हैं नोट्स बनाने में, तो नोट्स बनाइए और आगे बढ़िए। बात करते हैं आगे, सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है, जिसे भारत में वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। भारत में विविध अंत समुद्री पेड़ पौधे तथा प्राणी जात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व ग्रेट निकोबार में है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। भारत का उत्तराखंड क्षेत्र चीड़ के वनों से समृद्ध है। भारत का उत्तराखंड क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो है ये चीड़ के लिए। आगे बात करते हैं, देखिए भारत में गोरखुर इसको बोलते हैं, वाइल्ड आस कच्छ का रण में पाए जाते हैं, और जंगली गधा कच्छ में पाए जाते हैं। भारत में केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्य में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केवल और केवल केरल में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके केरल में, ये आप याद रखिएगा। देखो बच्चों, वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, जैसे कि आपने ये क्वेश्चन देखा, ठीक है, ये आपने पेज का व्यू देखा, और मैंने आपको मैक्सिमम जितना जूम था उतना जूम करके आपको दिखाया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कुछ बच्चे कमेंट्स में ये लिख के भेजते हैं, सर और जूम करिए, थोड़ा और क्लियर करिए। अगर मैं इसको और क्लियर करता हूँ तो अप डाउन, जो ये अप डाउन करने की जो ये प्रायोरिटी है बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये ज्यादा अप डाउन पेज करना अच्छी बात नहीं होती, ज्यादा हेडेक हो जाता है बच्चों का कभी कभी ऐसा, तो इससे मुझे भी कष्ट होगा। या फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप अप डाउन करते हैं तो दिक्कत होती है। अगर मैं एक पेज पे एक ही स्क्रीन लूँ तो आपको अब क्या व्यू हो रहा है, आपको वॉच हो रहा है, आपको नहीं हो रहा? मुझे भी वॉच नहीं हो रहा, मुझे पढ़ने में ये चीज नहीं आ पाएगी। तो इसलिए प्लीज मैं जो अगर मैक्सिमम जो प्रायोरिटी होती है केवल उतना ही जूम करता हूँ जितना आपके लिए सुटेबल हो और मेरे लिए सुटेबल हो, ठीक है। थोड़ा तो कष्ट देखो सबको करना पड़ेगा आपस में, तो ठीक है, कष्ट चाहेंगे जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिना कष्ट के तो भैया कुछ नहीं मिलता।
तो बच्चों इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बाजू में आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन, उस बेल आइकन पर क्लिक आप ज़रूर करिएगा। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको मिलेंगे इस वीडियो के, आपको इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो ठीक है, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर करिए इस वीडियो को जरूर, ठीक है। आप भी पढ़िए और औरों को भी पढ़ाइए। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।